क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आया हूँ फिरोजपुर तहसीलदार स्टड फार्म में। मेरे दोस्त हैं भैया नवदीप सिंह भुल्लर जी, और इनका एक स्टड फार्म है जो काफ़ी फेमस है फिरोजपुर एरिया में, क्या पूरे पंजाब में इनका फेमस है। और ये काफ़ी कैमरा शाई भी हैं। मैंने बड़ा इनको ना 2 दिन से एक पकड़ पकड़ के एक मनाया है कि भैया अपना दिखाइए, आपने क्या अचीवमेंट किया, क्या ब्रीडिंग कर रहे हो और क्या है स्टड फार्म में। प्लीज़ भैया आप हमें क्या दिखाओगे आज। भैया सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने का, आपकी टीम का और आपकी स्कूबर्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ आए हो और आपको हम आज अपने ब्यूटीफुल हॉर्सेज मारवाड़ी और नुकराज दोनों दिखाएंगे। मेरे पास स्टैलियन है, नाग घोड़ियाँ हैं, कुछ चैंपियन हो चुके हैं, किसके बच्चे चैंपियन हो चुके हैं। आपको एक एक करके हर एक घोड़ी को दिखाया जाएगा आज। भैया हम मैं ना एक स्टडी कर रहा था, पिछले 2-3 महीने से मैं वेट कर रहा था कि यूट्यूब पर वीडियो देखा जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख, वो है क्या सिस्टम, मुझे आज तक समझ नहीं लगा। क्योंकि एक नए बंदे को अगर ब्रीडिंग में आना भी होगा तो वो कैसे आएगा, उसको तो समझ ही नहीं आएगा। 50 लाख उसकी जेब में नहीं होगा तो वो ब्रीडिंग कर नहीं सकता। रियलिटी क्या है इस बिज़नेस की? भैया रियलिटी तो ऐसी है कि 90% तो ये फेक है, झूठ है। हाँ बिल्कुल झूठ है। और 10% ऐसे हॉर्सेज हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये 50 लाख 1 करोड़ की बातें झूठी हैं। हैं 10% लोगों के पास एनिमल्स बहुत अच्छे हैं जो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। उन घोड़ों का रेट है 50 भी है 60 भी है 1 करोड़ के अबव भी बिक चुके हैं घोड़े। लेकिन ये मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे झूठ हर फार्म पे मैं ही बोल दूँ, मेरे पास करोड़ करोड़ के घोड़े बिके हैं, मेरे पास कोई करोड़ का घोड़ा नहीं बिका, ना ही मैं कोई करोड़ का लाया हूँ। और ब्रीडिंग कर रहा हूँ, आगे विद गॉड ग्रेस कोई अच्छा बच्चा आ गया तो आगे आने वाले सालों में उम्मीद करता हूँ शायद मैं भी कोई 2-4-5-10 साल में कोई 50 लाख 1 करोड़ का शायद बेचूँ। तो नए लोगों को ऐसी बातें बोल के नए लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट ख़त्म करना ही है। तो किसी ने अगर शुरू करना है, नया शुरू करना है, तो उसको 1 लाख रुपए से भी शुरू हो सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी 10 लाख की है तो 10 लाख से भी शुरू हो सकता है। जैसे हम डॉग ब्रीडिंग करते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है जी हॉर्सेस का जी, क्या इसमें पैसा, अगर ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलें तो डॉग ब्रीडिंग से अच्छा है या उससे थोड़ा पेशेंस वाला काम? देखो दोनों लाइनें बिल्कुल डिफरेंट है। ये इससे है तो बिल्कुल पेशेंस वाला काम। जो डॉग ब्रीडिंग है वो मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं वो 2 बार ब्रीड करती हैं, 8 से 10 बच्चे एक ब्रीडिंग में दे देती हैं। और इसने 11 मंथ के बाद एक ही बच्चा देना है जो ये हॉर्स ब्रीड है, तो है तो डिफरेंट। लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरे को ज़्यादा मज़ेदार काम लगता है। और इसमें लाइन में इसमें थोड़ा प्यार ज़्यादा लोगों का मिलता है। एक तो कस्टमर ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ते आपको, जो भी कस्टमर आएगा अच्छा ही आएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड आएगा बिल्कुल। चलो भैया के हम देखते हैं हॉर्सेस मेयर और क्या कहते हैं भैया, मुझे तो लैंग्वेज घोड़ियों को मेयर कहते हैं जी, फिल्लीज कहते हैं जो बच्चे होते हैं, और जो स्टैलियन है हॉर्सेस आगे वो स्टैलियंस आ जाते हैं। और एक इसमें रहता है कि हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना वो अच्छा माना जाएगा, वो भी कोई नहीं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेली हाइट से कुछ नहीं होगा, ब्रीड की प्योरिटी भी चाहिए। अगर वो ब्रीड की प्योरिटी 61-62 में भी है वो 65 वाले घोड़ों को भी पीछे कर देती है। नहीं कई वीडियो हमने देखी है ना भाई, ये 68 का है, ये 66 का, हाइट के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड कर देते हैं। वो आज का ट्रेंड जो कोई भी जानवर है या एनिमल है या डॉग है जी, वो एक प्रोपोर्शन होना चाहिए उसकी हाइट उसके साइज के हिसाब से, मेरे ख्याल से यही होता होगा। बिल्कुल यही होना चाहिए और बिल्कुल होता भी यही है। चलो भैया से मिलते हैं आगे, पूरा देखिए वीडियो। ये है जी साड़ी फार्म की सब तो प्यारी घोड़ी, इसका नाम है शहजादी। तो इसका सब तो फर्स्ट जो बच्चा सी वो है महाराणा, वो मल्टी चैंपियन हो चुका है, ये खुद भी मुक्तसर तो चैंपियन रही है 2 बार। तो ये सब तो खूबसूरत है, सब तो न्यारी, सब तो प्यारी साड़ी घोड़ी है इस फार्म की। लो जी ये आ गई सारी फिल्ली बरकत, इनकी एज आ जी 16 महीने, इनकी हाइट आ 58, ये साइड आ इनका काला कांटा, इनकी डैम आ जी गोल्डन स्टार दी, गोल्डन स्टार भी चैंपियन रह चुका जी। इनकी जोड़ी मदर है वी जी, ये आ गई जी साड़ी फिल्ली आ जी, ये 3.5 साल दी, इनका नाम है जी मैरी गोल्ड, हाइट है 66। तो मैं ये कह सकता वन ऑफ द लोंगेस्ट मेयर्स इन इंडिया उन्दे च होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ लंबी है, इनकी हाइट तो है ही है। तो इनका जो कलर है ये हैगी जी नीली चंबी,
अबोर वाली लाइन के आँदी है जी, तो इस टाइम प्रैगनेंट है नाक घोड़े तो, हूँ तो नाक घोड़ा भी दिखावे इस तुम बाद। सर यह है जी साड़ी फिली जैसिका, टू टीथ है जी, हाइट है इनकी 65 inches। इनका जिहड़ा फादर ने जी इन्हें सूरज है जी, म्याला पिंड बई गुरमेल सिंह उन्होंने को, इनके ग्रैंड फादर ने जी आलीशान रोहितगढ़। इनकी जी डैम है जो कि इनकी मदर है वह रत्नाकर डायरैक्ट बेटी है, वह हरिंदर शाहपुर को। इस टाइम ये कवर्ड आ जी दिलबाग रनिया तो। इनकी हाइट है जी 65 inches, एज आ 32 months। भैया है जी साढ़े फार्म की तुम कह सकते हो राणी, ये मेरी सब तो फस्ट मेयर आ जी, मैं बाय करी सी 2009 के, इन्हें मेरे को हूँ तक 7-8 बच्चे दे चुकी है, मुझे 3-4 साल का गैप रहा, खाली रही है। तो हूँ फिर यह प्रैगनेंट है ग्रेट गैम्बलर तो। इनकी लाइन मैंने नहीं पता क्योंकि उस टाइम जो मैं खरीदी सी उदो लाइन का इन्ना कोई ट्रेंड नहीं सी, हूँ लाइन ट्रेंड के ज़्यादा आई है। सो ये सब तो प्यारी साड़ी घोड़ी है इस फार्म की, क्योंकि सब तो पुरानी है, तो सब सारे परिवार की अजीज घोड़ी है, तो सबन राइडिंग इसे घोड़ी ने सिखाई है। सब तो पहला मेरे फादर भी इसे चढ़े है, मैं भी चढ़े हैं, भी जिन्हें भी साढ़े दोस्त आ सब ने राइडिंग इसे घोड़ी तो सीखी है। आ जा अगे अगे कुछ नहीं, मैट ही है डरी के जानी, आ जा पो मारी पिछ, आ जा बस 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 ये जी साड़ी नौकरी मेयर, ये इनकी हाइट है 65। इनका जिहड़ा फादर है वह साली वाला घोड़ा नुकरा, बहुत फेमस घोड़ा आया जी पुराना, ये साली वाले घोड़े की धी है, ये प्रैगनेंट है जी इस वारी नाग तो। इन्हें बहुत चंगे सानू 3 बच्चे मैं दे चुकी है, 3 फिलीज दित्तियां विद गॉड ग्रेस। इनकी पहली फिली MP है जी इस टाइम, उस हारन खेड़े शो से फस्ट लगी है, उनके ओनर ने मुहम्मद शाहरुख, मेरे बहुत अजीज दोस्त ने। तो उस तो बाद 2 फिलीज दित्तियां, वह भी काफ़ी हाई रेट पर मेरे फार्म तो एडवांस बुकिंग ही विकदियाँ। तो इस बार फिर इनदियाँ एक्सपैक्टेशन आ मैनू कि वधिया बच्चे दी, तो बहुत लोग इन पिछे हजे भी मेरे बायर फिरदे आ भी जां तां सानू घोड़ी दे दिओ जां इहदे बच्चे सानू जरूर दिओ। बस बेटा बस, आ जा ये है जी साडा स्टार फार्म का नाम है जी स्टैलियन नाग। इनके जिहड़ा सिरे है जी सायर है इनके, वह जी महंता वाला स्टैलियन बहुत पुराना घोड़ा सीगा, उस घोड़े का यह बच्चा। इनकी खासियत है जी इनकी जिवें नैक लौंग है, इनके बच्चे भी लौंग नैक दे, हाई हाइट दे, ते पैरों तो बहुत मजबूत आते जिमें कि तुम देख सकते हो, खुद भी बहुत मजबूत है पैरों तो। इनकी हाइट है जी 65, एज इनकी होगी जी 7 साल 7 years। तो बहुत लोग साढ़े तो इतने ब्रीड करवा आते हैं इस घोड़े, इस घोड़े तो घोड़ियाँ फेमस अज द टाइम का बहुत फेमस घोड़ा है जी। पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा अगर फिरोजपुर में हम आते हैं ना, कभी भी स्कूबर वाले आते हैं या कोई भी आता है, ये एकम भैया आप जानते हो डोगो अर्जेंटीनो वाले, लेकिन इनका अब ना घोड़ों का भी हो गया, इनका फार्म अगला वीडियो आपको इन्हीं का दिखाएंगे। और ये जोगिंदर भैया जिन्होंने रिसेंटली डिप्टी सबका डिप्टी CM को भी एक डॉग दिया है, वो उसके लिए भी इनको मुबारक, उसका भी वीडियो आप जल्दी देख लेंगे। तो थैंक यू भैया, आप हमें इतना सपोर्ट करते हो, इतने इतने नयाब हीरे हमारे चैनल पर लाते हो, आपका भी थैंक यू भाई। ये देखा एंड में यही, और एकम भैया का भी थैंक यू, हमें ये जितने भी आप फार्म देखते हो फिरोजपुर में तो एकम भैया का बहुत बड़ा रोल रहता है। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब।
Thank you.